याद रहना, बॉयज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल थन्ना मंडी से आप सबका आज के इस प्रोग्राम के अंदर जो बिल्कुल हमने शॉर्ट नोटिस में तैयार किया, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मोबाइल्स, तो इस पे एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे साथ रजौरी बॉय, रजौरी गर्ल्स मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल हमारे साथ जुड़ा है और पहली बार हमारे साथ हायर सेकेंडरी स्कूल मोगला ये जुड़ा है, आपका भी हम आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और हमारे साथ पुंछ वाले, इनके साथ हम दूसरी या तीसरी बार जुड़ चुके हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये हमने बड़े शॉर्ट नोटिस में तैयार किया, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मोबाइल्स, तो इस पे मैं आपको एक प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा लास्ट में, लेकिन पहले हम आप बच्चों के व्यूज सुनेंगे। तो जैसे देखिए, आज ये जो मोबाइल है मेरे हाथ में, सबके हाथ में, मेरे हाथ में तो एक सिंगल गैजेट है, मुझे लगता है आप लोगों के पास, आपके जो SNOs हैं इनके पास एक नहीं, दो दो नहीं, लोगों के पास तीन तीन ये सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस हैं। तो ये मार्टन कूपर की आजाद है, 1973 में मार्टन कूपर ने मोबाइल बनाया और मुझे लगता है हमारे पास पहुंचे हुए इसको शायद 10 साल हो गए। तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है, हम इसके बगैर रह भी नहीं सकते, लेकिन इसके बहुत सारे मुजर असरात हैं, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो इस वक्त जो एक दुबई के एक साइंटिस्ट, एक फिजिस्ट, एक डॉक्टर विकास नेहरू की एक रिपोर्ट है, उसके सर्वे के मुताबिक 2020 बाय द एंड ऑफ 2020 पूरी दुनिया में तकरीबन 20 बिलियन ये डिवाइसेस पहुंच जाएंगी, और यही सिलसिला अगर जारी रहा तो 2025 में 1 ट्रिलियन डिवाइसेस जो है मोबाइल की दुनिया में पहुंच जाएंगी। तो है ये सोफिस्टिकेटेड डिवाइस, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, और वो कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं ये हम आपसे बात इसके ऊपर जरूर करेंगे। और पहले हम चलते हैं, मुझे लगता है मैं अपने स्कूल से ही शुरू करूं, हम किसी एक बच्चे के व्यूज जो इन्होंने शॉर्ट नोटिस पे तैयार किए वो उनसे सुनने जा रहे हैं। कोई एक बच्चा जो आज के इस मौजू के ऊपर बोलना चाहेगा, ऐसे बोलते चाहिए। गुड आफ्टरनून सर, चलिए करियर। सर माय नेम इज अरबाज अहमद, आई एम फ्रॉम थन्ना मंडी एंड आई एम स्टडीइंग 12th क्लास इन गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी थन्ना मंडी। एंड मैं आपके सामने जो है आज जो आपके सामने बात करना चाहता हूँ वो एडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर देखा जाए तो हमारे ज़िंदगी में मोबाइल फ़ोन्स की बहुत ही ज़रूरत है, आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन जो हैं हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन आज हम इसका एक गलत तौर पर इसका इस्तेमाल भी करते हैं कि हम 15 या 16 ईयर के स्टूडेंट जो बच्चे हैं उनको दे देते हैं और वो एक ऐसी मतलब वेबसाइट जो है ऐसी वेबसाइट पोर्नोग्राफी में जो है एडिक्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह मोबाइल्स के जो है डिसएडवांटेज अगर हम इसकी बात करें तो मोबाइल्स जब भी हम ऐसे होता है वो रेडियो एक्टिव वेव्स भेजता है, और जब हम किससे बात करते हैं तो वो रेडियो एक्टिव वेव्स जो है हमारी कान पे स्ट्राइक करती हैं और वो हमारी बॉडी में मतलब काफ़ी नुकसान दे हैं वाली रेडियो एक्टिव वेव्स। तो इसी तरह हम सभी को पता है कि जो एडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन है कि हम किसी भी दोस्त से बात कर सकते हैं, चाहे वो हमसे दूर हो, हम अपना मैसेज जो है शॉर्ट टाइम में उनको पहुंचा सकते हैं। और इसी तरह अगर हम पुराने ज़माने में देखें तो हम एक खत भेजते थे किसी अपने रिश्तेदार को जो दूसरे मुल्क में होता था, तो वो कम से कम 2-3 महीने लग जाते थे, लेकिन उसका जवाब वो हमें शायद मिले या ना मिले उसका पूरा कंफर्म नहीं था। तो लेकिन आज हम अपने मोबाइल फ़ोन से सेकेंड टू मिनटों में हम अपने रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं, और हम जैसे आज हम आपसे ऑनलाइन इंटरेक्शन में बात कर रहे हैं, ये भी एक इसी का हिस्सा है। चलिए जी, ये थे अरबाज जो अपने व्यूज प्रोजेक्ट कर रहे थे। जैसे इन्होंने कहा कि आज हम यहाँ बैठ के एट द क्लिक ऑफ द बटन
हम दुनिया के किसी कोने के साथ जुड़ सकते हैं। वैसे भी बात करें, अगर हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, अगर हमें ऑस्ट्रेलिया पहुंचना है तो मुझे लगता है 6 दिन लगेंगे हमें यहाँ से। लेकिन अगर हमें ऑस्ट्रेलिया कॉल करनी है तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो है हम ऑस्ट्रेलिया में जुड़ सकते हैं। कोई चीज़ तो है जो हमें इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के साथ जोड़ रही है, वो है मोबाइल। लेकिन मोबाइल के अंदर कोई ऐसी चीज़ है, क्या वो हमारे लिए खतरनाक है, क्या वो फायदेमंद है? तो इसी चीज़ के ऊपर जो है ये अब हम चलते हैं मोगला में। सुनील जी, मेरी आवाज़ शायद पहुँच रही है। मोगला हायर सेकेंडरी स्कूल के किसी तालिबे इल्म को मैं मधु करूँगा कि वो आज के इस मौजू के ऊपर बात करें। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। पहले तो जो हमारा पूरा स्कूल है ना इस वक्त, ये आपसे शुक्रगुजार है कि आपने हमें पहली बार मौका दिया है, क्योंकि ये भी बड़े ज्यादा खुश हुए लेके कि ऑनलाइन इंटरेक्शन, क्योंकि पहली बार हो रही है ये। और जो ये भी शायद कहना कि मोबाइल की देन है कि हम इस टाइम आपस में कनेक्ट हो पाए। तो हमारे स्कूल के एक स्टूडेंट है विश्वप्रीत सिंह, ये बोलना चाहते हैं मोबाइल के ऊपर, मैं इसको मौका दूंगा क्योंकि ये भी बड़े ज्यादा एक्साइटेड है पहली बार बात करने के लिए। और विश्वप्रीत नमस्कार जी जी सबको, गुड आफ्टरनून। आई एम विश्वप्रीत सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल मोगला। आई एम इन 12th क्लास और मैं आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज प्रथम बार हम इस उपलक्ष्य पर सभी के साथ संवाद कर रहे हैं। मोबाइल फोन का आज का विषय है, ये बहुत ही गहराई का विषय है। हम सब जानते हैं कि मोबाइल फोन हम सब के लिए लाभकारी भी है और इसके कुछ बहुत सारे नुकसान भी। आज के इस मौके पर मैं अपने युवा साथियों को भी कुछ संदेश दूंगा। यहाँ तक मोबाइल फोन की बात है, सर पहले पुराने जमाने में यदि हम मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, जैसे कि सर ने बताया कि 1973 से ही मोबाइल सर्वप्रथम साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका उद्घाटन किया, उसके बाद मोबाइल फोन ना चले। और पहले हम एक दूसरे को संदेश दिया करते थे बजरिया आवाज के, बजरिया एक दूसरे को हम आवाज लगाते थे दूर से हमारे बुजुर्ग। लेकिन आज का समय जैसे जैसे मॉडर्न इंडिया बन रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है, बन चेंज हो रहा है, इसी का एक माध्यम है जो आज हम सभी व्यक्तित्व हैं और एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। हमें मोबाइल फोन स्कूल में प्रयोग नहीं करना चाहिए, मोबाइल फोन पर बैन होना चाहिए। मोबाइल फोन यहाँ तक लाभ की बात है, इन केस ऑफ इमरजेंसी यदि हमारे साथ कहीं हादसा पेश आ जाए तो हम डायरेक्ट अपने माता पिता बाहर सब दूसरे संबंधियों के साथ वार्तालाप कर सकते हैं। और मोबाइल से हमें वर्ल्ड की अनेक प्रकार की नॉलेज भी मिलती है, हम चाहे भारत के बाहर पूरे विश्व में इससे बात कर सकते हैं। मोबाइल हमारे लिए अत्यंत लाभकारी है, जहाँ तक इसके नुकसान की बात है तो हम इस समय कई बार इसे अपना 24 घंटे मोबाइल पर ही लगे रहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जो युवा साथी मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि मोबाइल का प्रयोग हमें करना चाहिए, लेकिन इसकी लिमिट कई बार हम 2-3 घंटे मोबाइल को दे देते हैं जिससे हमारे माइंड में मिसबिहेव हो जाता है, कि प्रकार की हमें बीमारियां भी इसके से भी हम पीड़ित होते हैं। अतः हमें मोबाइल का प्रयोग अच्छी बातों के लिए करना चाहिए, अनुचित बातों के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा हो यदि हम स्कूल में मोबाइल ना लेके जाए, खास करके हमारे साथी और अपने भविष्य की उसका अच्छा लाभ भी उठाए। आज के इस मौके पर हम सबको ये प्रण करना है, हम सब मोबाइल का एक अच्छी बातों के लिए, अच्छे राष्ट्र बनाने के लिए करेंगे, ताकि हम भी अपने भारत की प्रगति जो उदाहरण और मैं सबसे ये आग्रह करूंगा इस मोबाइल फोन का प्रयोग रोज समझ कर करें, ये हमें आसमान से धरती पर और धरती से आसमान तक भी पहुंचा देता है। और कई बार हम जब चल रहे होते हैं हमारे पास हम अधिक प्रयोग करते हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि वो हम कानों में लगा के सुनते हैं, ये अच्छी आदत नहीं है और हमें
से बच्चे कार्य के चीज का प्रयोग करना चाहिए और मोबाइल फोन जहां तक इसकी नुकसान का प्रश्न है तो काफी सारे इसके नुकसान भी हैं और ये हमारे माइंड पर भी बहुत बड़ा क्रिएट करता है। यदि ये स्कूल में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, हमारे टीचर्स भी इसका प्रयोग करते हैं। हमारे हाई सेकेंडरी स्कूल मोगा की बात की जाए तो हमारे ये सर जी इनकी ही देन से हम इस समय लाइव आ रहे हैं और इस समय हम इसका दुनिया की नॉलेज ले सकते हैं, दुनिया के विचार जान सकते हैं, अपनी कुछ बात उन तक प्रकट कर सकते हैं। अतः हमें मोबाइल फोन हमारे लिए अति कल्याणकारी भी है, लेकिन जैसे कि मैंने सबसे कहा कि हमें इसका ठीक प्रयोग करना चाहिए, इसका कोई समय होना चाहिए, कम से कम अधिक से अधिक यदि हम इसका प्रयोग करें 10-15 मिनट। ये मेरे दोस्त क्या करते हैं कि दो दो घंटे लगे रहते हैं व्हाट्सएप पर चैटिंग करते चैट करते रहते हैं। अच्छा हो कि हम कुछ वो पहुंचे इसकी हमें आवश्यकता है ताकि हम भी जान सके कि भारत में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है। ये आज के इस मौके पर मेरे यही विचार हैं। मैं आप सबका एक बार फिर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और सभी युवा साथियों को ये निवेदन करता हूँ कि आप सर्वप्रथम मोबाइल का यदि यूज करते हैं यूज करें और इसके यूज करते समय जो हेडफोन है उसका प्रयोग ना करें और 24 घंटे मोबाइल पर ना लगे रहें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें क्योंकि ये हमारा समय हमारे लिए बहुत कल्याणकारी है। हम 12वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं, इस बार हमें बहुत सी परीक्षा देनी है। अच्छा हो यदि हम डिस्ट्रिक्ट में भी अपना नाम रोशन करें और अपने घर का भी नाम रोशन करें, अपने देश का भी नाम रोशन करें और अपने भारत की प्रगति में योगदान दें और डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, इस प्रकार के जो कार्यक्रम देश में हो रहे हैं, हम युवा ही हैं जो देश के भविष्य हैं। अतः हमें भारत के भविष्य को डगमगाने नहीं देना है, भारत की प्रगति में यथासंभव योगदान देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम चलते हैं गर्ल्स मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल रजौरी। तो हम सुनना चाहते हैं वहाँ की बच्चियों के व्यूज आज के इस जो टॉपिक है प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर, देखते हैं उनके व्यूज क्या हैं। कोई बच्ची वहाँ से अगर इसके ऊपर बोलना चाहे तो। सर सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा आपका कि आपने हमें ऑनलाइन इंटरेक्शन में जोड़ा और मैं इसमें सबसे पहले ये कहना चाहूँगा ये आपके ही एफर्ट्स हैं, सिंगल एफर्ट्स हैं कि आप सब हाई सेकेंडरी को जोड़ के रख रहे हैं और इस जो ICT की जो प्रोग्राम है इसको कामयाब बना रहे हैं, इसलिए थैंकफुल है हम सर। तो मैं शिवानी को बुलाऊंगा कि वो प्रोज एंड कॉन्स आप मोबाइल फोन्स के बारे में कुछ बोलें। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। As you know that today our topic is user and abuser mobile phone. So I would like to express my views. Today, home is where the hurt is. But today, the phone is where the hurt is. What is cell phone? Cell phone is a telephone system that functions without any file. Cell phone is a great invention of modern science. It has added a new dimensions to our life and communication system. Aspects of mobile phones. Mobile phones have utilized the life of human beings for many years. They have become widespread all over the world. Besides that, mobile phones also play an antisocial part in humanity. It depends on how it has been used. In short, we can say that mobile phones, their uses and misuses, which entirely depends upon the user. So cellular phones are easily portable from one place to another. So cellular phones, we can send messages, email, distant places, play games, listen to songs and watch movies, do calculation, get use of different channels. We can also use the internet through the cellular phones having GPRS modem. The popularity of cell phone is increasing very rapidly. The tendency is increasing fast. Now anybody can purchase a cell phone at a negligible price. The world has a global village within the touch of modern technology. Mobile phone made our life easy and present and people can easily use it, but cannot live without phone for a minute. Your cell phone has already replaced your camera, your calendar and your alarm clock. But do not let it be the place of your family. Everything has two sides, one is good and one is bad. And we can also say that every positive thing has one negative thing. Teenagers spoil their life by talking their friends for long.
visitations, proper and active visits of revenge, crimes were communicated among them. That's not true, Pashto. The young generation is actually affected by the evil of influence of cell phone. They are using it, it is not fresh, but it is not a fresh. Sometimes they talk for a together, which are very damaged their health. So scientists believe that cell phone may cause brand to a genetic damage and many other incurable diseases. It is true that millions of people are getting benefits from modern cellular telephones, but most of them are unaware from the danger of it. And this is the use of mobile phones to cause damage to brand, increase the blood pressure, damage RBC, and also even cause the pregnant woman. Finally, if we conclude that this is a crystal clear that cell phones have some demerits. Its necessities in exchanging dialogues, sending messages, and cannot be trusted in a true sense of time in our daily life. I finally realized that people are prisoners of the phone. That's why we are called as cell phones. Thank you. Very good. जी जी सर, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका। जी जी, हमारे बीच प्रिंसिपल मैम अभी शामिल हुई, और मैं ये कहना चाहूंगा इस मौके पे कि ये जो आप हमें देख रहे हैं यहाँ बैठे हुए, कि अभी हमारा पूरा सामान नहीं पहुंचा है, और ये सिर्फ एंडलेस एफर्ट्स में बोलूंगा कि हमारी प्रिंसिपल मैम ने हमने जो भी बोला और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हर चीज हमें प्रोवाइड की, और जो हम आपके सामने आज बैठे हुए हैं आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, सिर्फ मैम की ही एफर्ट से ये पॉसिबल हुआ है कि हम आपके साथ आज जुड़े हुए हैं। तो मैं इसमें इस मौके पर मैम का बहुत शुक्र तो हम बजाय पुंछ के एक बार फिर थन्नामंडी के किसी बच्चे को बोलते हैं कि अगर वो आज के इस मौजू के ऊपर बात करना चाहे तो बोल सकता है। तो ये थन्नामंडी से आज के इस विषय के ऊपर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मोबाइल्स प्लीज सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको एक प्रेजेंटेशन भी आज के इसके ऊपर दिखाऊंगा। चलिए, मोहतरमा प्रिंसिपल साहब और मेरे दिगर ताज़ा इकराम और मेरे ऑनलाइन हम सफर साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं आपके सामने आज इस मोबाइल के बारे में बोलना चाहता हूँ कि मोबाइल के फायदे क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं मोबाइल के बहुत सारे फायदे हैं, और पहले हुआ करता था कि हमारे जो आबा व अजदाद हैं, हमारे वालदेन हैं, या हमारे किसी रिश्तेदार को हाथ लिखा करते थे तो बहुत ही टाइम लग जाता था, बहुत ही वक्त लग जाता था, कई दिनों के बाद उसका जवाब हमें आता था या नहीं आता था, ये हम नहीं जानते थे। तो आज ऐसा वक्त है कि हम एक मोबाइल के जरिए एक मिनट में उसका हाल जान सकते हैं और देख सकते हैं, और उसके साथ साथ बात करनी तो अलायदा हो चुका है, लेकिन अब हम एक दूसरे को देख सकते हैं ऑनलाइन, जैसे वीडियो कॉल के जरिए देख सकते हैं, उसका हाल जान सकते हैं। तो मोबाइल बहुत ही अहम चीज़ है इंसान के बढ़ते हुए कदमों के साथ। तो पहले हुआ करता था हमारे जो कोई बंद हमारे हुआ करते थे, जैसे वालदेन या हमारे मदर या फिर डिपी में जाना या स्कूल में जाना, तो न्यूज़पेपर का इंतजार करना पड़ता था कि हम पढ़ेंगे देखेंगे क्या न्यूज़ है। आज मोबाइल में डाटा खोलो, मोबाइल को नेटवर्क ऑन करो तो देखो उसमें क्या न्यूज़ है, हमारा जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, हमारे भारत में क्या हो रहा है और दीगर कंट्री में क्या हो रहा है, तो हर चीज़ जान सकते थे। तो आज मोबाइल मुस्लिम इंसान की ज़रूरत बन चुका है। तो मैं आपका आज ज़्यादा वक्त ना लेते हुए यही कहूँगा कि मोबाइल के बारे में आपके सामने एक एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ कि मोबाइल एक माचिस है, मैच बॉक्स है, वो मोबाइल की तरह है, उससे चाहो तो आप अपना घर जला सकते हो, चाहो तो चला सकते हो। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, इससे खुद गलत हम करते हैं, मोबाइल गलत नहीं होता, कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, इंसान गलत होता है। तो हम चाहें कोई भी चीज़ हमारी गुलाम नहीं है, हम उसके गुलाम हैं। तो मोबाइल ये है कि हम उसे गलत इस्तेमाल करते हैं तो वो गलत करता है, कोई भी चीज़ अगर हम गलत ना करेंगे तो वो गलत नहीं करेगी। तो मैं आप अपने भाई और बहनों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि मोबाइल को कम से कम इस्तेमाल करें और ज़रूरत के मुताबिक करें, और ज़्यादा अपना टाइम ज़ाया करते हुए आप अपनी तालीम को देखें, अपने एजुकेशन को देखें कि आने वाला वक्त कैसा है, कैसा मुश्किल वक्त है। तो मैं यही एडवाइस है मेरी, और मैं इस पर शुक्रिया अदा करता हूँ सारे मेरे ऑनलाइन भाइयों का और आया सर का। तो थैंक्स। कलीम सर, स्लाइड नजर आ रही है आपको मेरी? सर कलीम सर, मुगला वालों को आ रही है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी।
कि हमारा जो मोबाइल है ये कैसे काम करता है। पहले मैं यहाँ जाऊँगा, जब हम कॉलर, सपोज मैं कॉलर हूँ तो मैं कॉल सेंड कर रहा हूँ या कॉल कर रहा हूँ किसी को, तो मेरी कॉल को रिसीव कर रहा है, तो ये हमारा जो टू वे कम्युनिकेशन होता है ये कैसे होता है। ये एक डायग्राम आपके सामने नजर आ रही है, नंबर वन पे कॉलर, नंबर टू जो है रिसीवर है। तो कॉलर कॉल करेगा तो ये लिंक हमारा बनाएगा हमारा बेस स्टेशन। आपने देखा होगा हमारे गिरदोनवा में हमारे बड़े बड़े टावर्स इंस्टॉल हुए हैं, कभी एयरटेल का, बीएसएनएल का, या हमारा एयरसेल का, या जियो का, ऐसे टावर्स लगे हैं। उन टावर्स के ऊपर आपने देखा होगा एंटीना, और एंटीना वाइट कलर का एक लंबा सा एक मैं कहूँ एक रेक्टेंगुलर शेप्ड एक बॉडी है। तो जब हम कॉल करते हैं तो हमारा जो मोबाइल, हमारा मोबाइल जो है बेसिकली ये रेडियो वेव्स के आधार पे चलता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इससे निकलती हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस प्रकार की होती हैं वो हमारी रेडियो वेव्स हैं, और रेडियो वेव्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इनकी फ्रिक्वेंसी हमारी माइक्रोवेव्स के बराबर होती है। अगर तो बच्चे फिजिक्स वाले होंगे वो ज़रूर ये जान चुके होंगे माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स। तो यहाँ एंटीना जो हमारे मोबाइल का एंटीना है उससे वो रेज निकलेंगी और ये हमारा चला जाएगा टावर के पास, टावर के एंटीना के पास। अब जिस कॉलर को हमने कॉल, सॉरी रिसीवर को, सॉरी कॉलर कॉल कर रहा है रिसीवर को, जिसको हम कॉल कर रहे हैं, तो ये जो टावर है ये हमारा चला जाएगा, यहाँ से हमारा जो लिंक बनाएगा स्विचिंग सेंटर। तो स्विचिंग सेंटर जो है ऑथेंटिकेट करेगा कि क्या जो हम कॉल जिस बंदे को कर रहे हैं उसका रूट पॉसिबल शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, तो वो कॉल सेंड करेगा, यानी हमारी रेज रेडियो वेव सेंड करेगा हमारा नेक्स्ट बेस स्टेशन जो बिल्कुल रिसीवर के नज़दीक होगा, और रिसीवर जो है आगे मतलब उसका जो बेस स्टेशन का जो टावर है उससे रिसीवर के साथ लिंक बनेगा, और इस तरीके से हमारी टू वे कम्युनिकेशन होगी। दिस इज़ हाउ आवर मोबाइल वर्क्स। तो वही बात सुबह वाली जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि हम अमेरिका में अगर या ऑस्ट्रेलिया में किसी से बात करना चाहें तो इस प्रकार से हमारी बात होगी, या अगर इवन हम एक रूम से दूसरे रूम में किसी को कॉल करना चाहें मोबाइल के जरिए, तो इस तरीके से हमारा जो स्विचिंग सेंटर है ये हमारा लिंक बनाता है। तो ये पहली स्लाइड जो है इस तरीके से मोबाइल काम करेगा। अब मोबाइल से जो हमारी रेडिएशंस निकलती हैं, सेल फोन से जो रेडिएशंस निकलती हैं, तो वो किस दिशा में फैलती हैं, तो सेल फोन जो है इसकी रेडिएशन जो है ट्रांसमिट होती है इसके एंटीना से सब दिशा में, सब डायरेक्शंस में। तो आप देख रहे हैं कि जैसे एक जो सेंडर है या जो कॉलर है ये कॉल कर रहा है, तो यहाँ से जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये एनर्जी की शक्ल में ये निकलेंगी, जैसे हमारी रेडियो वेव्स ही कह लें या माइक्रोवेव्स कह लें, तो ये निकल रही हैं सब दिशा में। तो एक तो स्टेट जा रही हैं एंटीना के पास, टावर के पास जा रही हैं, दूसरी मैक्सिमम रेज जो है ये हमारी स्पेस में चली जाएंगी, छोड़ने में मैक्सिमम रेज स्पेस में चली जाएंगी, एनर्जी हमारी वहाँ लॉस हो जाएगी, और उसके बाद कुछ रेज जो है हमारी बॉडी को स्ट्राइक करेंगे। तो वही वहाँ मैं आऊँगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल या जो रेज हैं ये सेल फोन से ट्रांसमिट होती हैं। यहाँ डिफरेंट हमने गैजेट्स रखे हैं और इनका एक ग्राफिक स्केच भी रखा है, उस ग्राफिक स्केच के ऊपर आप देखेंगे इनकी वैल्यूज़ लिखी हैं, यानी इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज। तो यहाँ आप जहाँ पर मैंने माइक्रोवेव ओवन का फिगर रखा है अगर आप देख रहे हैं, तो माइक्रोवेव ओवन जो है इसकी जो फ्रिक्वेंसी है 10 की पावर ऑलमोस्ट 10 हर्ट्ज है, और जो मोबाइल है ये इन बिटवीन 10 की पावर 8 और 10 की पावर 10 के बीच ये लाई कर रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो हमारा सेल फोन है ये माइक्रोवेव्स के आधार पर चलता है। माइक्रोवेव क्या है, आप सब लोगों के किचन में ओवन होगा, ओवन के अंदर हम खाना बनाते हैं, वो खाना जो हम गैस के ऊपर, हीटर के ऊपर, चूल्हे के ऊपर आधा घंटा घंटा लगता था, ओवन के अंदर हम विद इन नो टाइम, विद इन मिनट्स हम तैयार कर सकते हैं। होता क्या है कि इसके अंदर जो वेव्स निकलती हैं वो स्ट्राइक करती हैं खाने को और उसके फूड पार्टिकल्स को, यानी जब वो हीट होता है तो वो फूड पार्टिकल जो है मूव करते हैं तेज़ी तेज़ी से, जल्दी से, फास्टर। तो इस तरीके से हमारा खाना जो है ओवन के अंदर जल्दी तैयार हो जाता है। तो आप देख लीजिए हमारा सेल फोन जो है उसमें जो रेज निकलती हैं रेडियो वेव्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट माइक्रोवेव्स होती हैं। तो रेडियो वेव्स को हम दूसरे लफ्जों में हम माइक्रोवेव्स की बहन भाई भी कह सकते हैं। तो आप देख लीजिए जब हम फोन खरीदते हैं तो हम फोन का अगर बैटरी निकालें तो बैटरी निकाल के इसके अंदर एक सार वैल्यू लिखी होगी फोन की। सार वैल्यू क्या होती है, यानी फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुताबिक जो सार वैल्यू है फोन की वो है 1.6 वाट पर केजी ऑफ बॉडी वेट। हमारी जो बॉडी का वेट है उसमें 1.6 वाट पावर जनरेट करता है
मोबाइल फ़ोन, ये फिज़िक्स वाले जो साहब हैं अगर कोई लेक्चर हैं उनसे मज़ीद समझ लीजिएगा, अगर किसी को इसमें कोई परेशानी होगी तो मुझे बताइएगा, मैं आपका ये कंसेप्ट क्लियर करूँगा। अगर हमारे फ़ोन की जो सार वैल्यू है यानी स्पेसिफिक एब्जॉर्बेशन रेट ऑफ रेडिएशन, जितना हमारे फ़ोन का कम होगा उतना फ़ोन हमारी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। जितनी सार वैल्यू 1.6 से ऊपर होगी, ज़्यादा होगी तो उतना वो पोटेंशियल हेल्थ हज़र्ड होगा हमारी बॉडी के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, आईफोन की 3G जो है उसकी 1.38 आप देख रहे हैं, HTC की 1.25 है, ब्लैकबेरी का उसकी वैल्यू 1.51, इसी तरीके से ब्लैकबेरी पर्ल जो मॉडल है 1.22 है, मोटरोला की वैल्यू, सैमसंग, नोकिया, और इवन यू कैन फाइंड द सार वैल्यू ऑफ योर फोन आल्सो। बहुत सारे फ़ोन में एक नंबर मैं बताता हूँ, *#07#, अगर आपको नंबर मेरा याद है, ये याद हो गया जो मैंने बोला *#07#, ये नंबर डायल करें तो आपको अपने फ़ोन की सार वैल्यू पता चल जाएगी कि आपका फ़ोन जो है वो कितनी पावर जनरेट करता है आपकी बॉडी के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं, इवन यू कैन अनकवर योर मोबाइल, आप इसका केस खोलिएगा, बैटरी निकालिए, उसके अंदर भी इसकी सार वैल्यू लिखी होगी। तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेडिएशन सेल फोन्स की क्या है, यहाँ पर मैंने एक बार फिर एक स्लाइड दिखाई है आपको, मुझे लगता है ये स्लाइड मेरी नजर आ रही है क्या? जी आ रही है। हाईएस्ट रेडिएशन सेल फोन्स की अकॉर्डिंग टू सीनेट, ये अमेरिका के एक सीनेट न्यूज एजेंसी है, उसने हाईएस्ट रेडिएशन सेल फोन की निकाली है, ये जो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 up to 20, इन फोन की सार वैल्यू ये है। और जो लोएस्ट सेल फोन्स हैं जिनकी मतलब इन टर्म्स ऑफ सेल फोन, इन टर्म ऑफ सार वैल्यू, ये लोएस्ट रेडिएशन लेवल इन फोन का ऐसे, जैसे सैमसंग गलेक्सी नोट का है, ZTE नुबिया का है, सैमसंग गलेक्सी नोट 2 है, या काइरोसिरा, इसी तरीके से बहुत सारे फ़ोन्स हैं। और मेरा फ़ोन जो मेरे हाथ में है, मुझे लगता है आपकी स्क्रीन में शायद नज़र ना आए, मेरे फ़ोन जो है, मेरा फ़ोन ऑनलाइन मैंने मंगवाया है, ऑनर 6X फ़ोन है, और इसकी जो सार वैल्यू है, स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट ऑफ रेडिएशन विच आर इमिटेड बाई दीज फोन्स, वो है 0.91 वाट पर के जी ऑफ बॉडी वेट। तो मुझे लगता है मेरा फ़ोन जो है ये इसकी लोवेस्ट सार वैल्यू है। इसी तरीके से एप्पल आईफोन रेडिएशन लेवल्स उसका ये देख लीजिएगा, इसी तरीके से सैमसंग गलेक्सी जो मॉडल हैं उनकी सार वैल्यू ये दी गई है। और इवन जो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है उसकी एक वेबसाइट है www.fcc.gov, आप इस पर अपना फ़ोन का सार वैल्यू ट्रेस कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये एक स्लाइड है जिसपे एक ग्राफ बना है, थर्मल अफेक्ट सेल फोन का हमारी बॉडी के ऊपर क्या होता है, यानी कितना बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम लिमिट जो हम यूज़ करते हैं फ़ोन को, जैसे 5 मिनट यूज़ करेंगे, 10 मिनट 15 20 25, तो 25 मिनट अगर हम फ़ोन को यूज़ करेंगे तो पहले 10 मिनट में हमारी बॉडी का टेम्परेचर 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इसी तरीके से जब हम 10 मिनट फ़ोन यूज़ करेंगे तो ऑलमोस्ट 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 मिनट फ़ोन यूज़ करेंगे तो 1 डिग्री पे जंप कर जाएगा, 25 मिनट फ़ोन कंटिन्यूटी में अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री ये बढ़ जाएगा, गोया हमारी बॉडी जो है हीट होती है। आप देख लीजिएगा कि अगर आपका भाई बहन या कोई भी स्टाफ मेम्बर, कोई बच्चा अगर किसी को फ़ोन कर रहा है और आधा घंटा पौना घंटा लंबी लंबी कॉल करता है, आप उसके कान को चेक करिएगा आफ्टर ड्रॉपिंग हिज हर कॉल, जैसे वो फ़ोन को बंद करता है तो आप देखिए उसके लेफ्ट राइट ईयर को कंपेयर कीजिएगा, कौन सा ईयर जो है बिल्कुल रेडिश नज़र आएगा और हीटेड नज़र आएगा। तो ये जो थर्मल अफेक्ट है फ़ोन का हमारी बॉडी के ऊपर, इसी तरीके से ये अगर स्लाइड आपको नज़र आ रही है, ये थर्मल अफेक्ट बॉडी का आफ्टर एंड बिफोर यूजिंग फ़ोन, यानी 15 मिनट्स फ़ोन यूज़ करने के बाद आपकी स्कैनिंग बॉडी का, ये स्कैन दिखाया यहाँ पर, हीट जनरेटेड ऑन द फेस बाय 15 मिनट्स ऑफ सेल फोन यूज ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा फ़ोन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के आधार पर चलता है, तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड आप फिगर देख रहे हैं ये है बिफोर यूजिंग फ़ोन, और जो नेक्स्ट फिगर है आफ्टर यूजिंग फ़ोन, और फ़ोन यूज़ करना है 15 मिनट के बाद, उसके बाद अगर आप अपनी बॉडी का स्कैन करवाएं या MRI करवाएं तो स्कैन के बाद आपको ये देख लीजिएगा एयर का एरिया और हेड का एरिया रेडिश नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है आप साथियों को ये शायद स्लाइड नज़र आ रही है सर? जी हाँ, तो ये जो स्लाइड है
ये इंडिकेट कर रही है कि हमारा फोन जो है 15 मिनट के बाद हमारा जो जो एरिया है ये रेड हो रहा है। ये रेड इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी जो है हीट अप हो गई है 15 मिनट फोन यूज करने के। इससे पहले वाली स्लाइड आप देख लीजिएगा, उसमें वहां पर रेडिश एरिया नजर नहीं आ रहा। इसी तरीके से कैन सेल फोन काज ब्रेन ट्यूमर? तो जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2011 की जो रिपोर्ट है उसके सर्वे के मुताबिक कि कंटिन्यूसली अगर हम फोन को यूज करेंगे तो हमारा या कोई भी बंदा उसको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है और फिर इस ट्यूमर का कोई इलाज नहीं है। अलबत्ता इसके प्रिकॉशंस हैं, हमें फोन कैसे यूज करना है वो हम यहाँ पर आपको स्लाइड्स में बताएंगे। तो यह है रेडिएशन पेनिट्रेशन इन द हेड ऑफ एन अडल्ट 10 ईयर ओल्ड एंड 5 ईयर ओल्ड चैल। तो यहाँ पर भी हमने हेड की स्कैनिंग की एक स्लाइड लगाई है, 5 साल के बच्चे की हेड की स्कैनिंग, 10 साल के बच्चे की हेड की स्कैनिंग और फिर अडल्ट के स्कैनिंग। तो जैसे हमारा बच्चा घर में क्या होता है, बच्चे छोटे हैं अक्सर वो फ़ोन के साथ खेलते हैं, माँ बाप उनको बिजी रखने के लिए फ़ोन दे देते हैं, और हमारा फ़ोन जब हम नहीं भी यूज़ कर रहे होते हैं तो भी फ़ोन कंटिन्यूसली ये मतलब अपने टावर के साथ इसका लिंक बना रहता है। हर मिनट में 2-3 बार ये रेडियो वेव्स भेजता है ये चेक करने के लिए कि हमारा लिंक बना रहे नियरेस्ट पॉसिबल एंटीना के साथ। तो अगर हम बच्चों को फ़ोन दे खेलने के लिए तो फ़ोन को, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि फ़ोन को फ्लाइट मोड पे रख के बच्चों को फ़ोन दे दीजिएगा, उस वक़्त हमारा फ़ोन जो है सेफ मोड में होता है। लेकिन जब हम फ़ोन को फ्लाइट मोड पे नहीं रखा तो फ़ोन से कंटिन्यूसली रेज निकल रही हैं, हमारे बच्चे को स्ट्राइक कर रही हैं, तो हमारा बच्चा जो है, जो छोटा 5 साल का बच्चा है, इसके हेड की जो बोन्स होती हैं, ये इसका जो मसल्स होते हैं, इसकी जो स्किन होती है, स्किन सॉफ्ट होती है, इसके जो बोन्स होती हैं, ये बोन्स बड़ी नाजुक होती हैं और इन बोन्स से आसानी से ये रेज पास हो जाती हैं। इसी तरीके से ये वो जो स्कैन एरिया आपको बताया, ये ब्रेन का बड़ा स्कैनिंग एरिया है। ब्रेन का बच्चे का अगर आप स्कैनिंग एरिया देखें तो वो बड़ा है। इसी तरीके से 10 साल के बच्चे का अगर आप एरिया देखें तो थोड़ा सा कम है और अडल्ट का देखें तो और कम है। क्यों? क्योंकि एज द चाइल्ड ग्रोज, यानी जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, तो इसके हेड की जो बोन्स हैं ये मोटी हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, उस वक्त इन रेज का पेनिट्रेट उतनी पेनिट्रेट नहीं होती जितनी 5 साल के बच्चे में पेनिट्रेट होती हैं। तो गोया छोटे बच्चों के ऊपर इन रेज का ज़्यादा असर है बनिस्बत बड़ों के। हर एज ग्रुप के बच्चों पर इसका असर होता है लेकिन ज़्यादा बच्चों के ऊपर असर होता है। इसी तरीके से ये देख लीजिएगा, फ़ोन से ये रेडिएशन्स निकलती हैं और किस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर असर करती हैं। तो क्या हमारी ये किन किन जगहों पर ये असर दिखा सकती है? हमारी फटीग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, लॉस ऑफ स्लीप हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, कान में अक्सर शोर रहता है, हमारे जॉइंट पेन हो सकते हैं और बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो इससे हो सकती हैं, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। और कंसिडर द फॉलोइंग वेन यूजिंग यूर फ़ोन। जैसे यहाँ देख लीजिएगा, एक फ़ोन को हमें यूज़ कैसे करना है। हम बिल्कुल एक बार क्या होता है कि हम फ़ोन को पीछे हाथ रख के अपने कानों के साथ लगा देते हैं, गोया हम इसकी रेज का रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं। तो इसको नीचे से पकड़ना है और कान से तकरीबन 5/8 ऑफ एन इंच, मेरा मतलब हो गया 15 मिलीमीटर कान से दूर रख के हमें बात करनी है, दैट इज़ द सेफ्टी। और इसी तरीके से यूज़ ए हैंड फ्री सेट, जैसे अगर आपने देखा होगा मैंने अभी भी कान में हेडसेट डाला हुआ है, तो जब हम हेडसेट यूज़ करेंगे तो गोया हम कान के एरिया के साथ फ़ोन को नहीं रख रहे हैं, तो ये जो खतरनाक रेज है हमारी बॉडी को स्ट्राइक नहीं कर रही है। और जहाँ तक पॉसिबल हो सके, व्हेन यू आर नॉट यूजिंग योर फ़ोन, तो पुट इट ऑन योर टेबल, पुट इट इन योर बैग, तो ताकि हम इस रेज से दूर रहें। लेकिन हम क्या करते हैं, एक फ़ोन नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हमने तो अब अपने वो 6 पॉकेट्स वाली पैंट लगा के इन या स्पेशल पैंट्स बनाते हैं जिनमें हम फ़ोन के लिए जगह बनाते हैं। एक फ़ोन कैरी नहीं करते बल्कि दो दो तीन तीन फ़ोन कैरी करते हैं और इन फ़ोन से ये हीट रेज निकलती हैं और जिसका हमारी बॉडी के ऊपर बुरा असर होता है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि हो टू होल्ड योर फ़ोन, जैसे अगर हम फ़ोन को बिल्कुल पकड़ के रखेंगे, बंद करके रखेंगे, तो कवर करके रखेंगे, तो इससे ज़्यादा हीट जनरेट होगी, ज़्यादा रेज निकलेंगी। और अगर हम फ़ोन को एक कोने से पकड़ेंगे या नीचे से पकड़ेंगे तो हमें उससे कम रेज जो है
निकलेंगे, क्योंकि उस वक्त हम उसका रास्ता रेस का ब्लॉक नहीं कर रहे होते हैं। जब इसका हम फोन को बिल्कुल मजबूती से पकड़ के रखते हैं, हाथ से दबा के पूरा कवर करके, तो इस तरीके से ज़्यादा हीट जनरेट होगी, हमारी बॉडी हीटेड हो जाएगी, हमारा हेड हीटेड हो जाएगा, हमारा इंस्ट्रूमेंट हीट होता है, तो क्या हमारी बॉडी हीट नहीं होती? इसी तरीके से गेट इन द बेस्ट पोजिशन। जब देख लीजिएगा, जब कभी क्या होता है कि हम गाड़ी में जा रहे हैं कहीं पे, तो हमारा फ़ोन जो है ये सेल टू सेल इसका लिंक बनता है। सेल बेसिकली क्या होता है कि सेल होता है वो टावर का लिंक, जहां तक टावर का सिग्नल जाता है। हम अगर निकल रहे हैं थन्ना मंडी से रजौरी की तरफ, तो हमारा जो मोबाइल पे सिग्नल आएगा, जी अभी आप इस रेंज में हो, तो जैसे ही हम उस रेंज से निकलेंगे, दूसरी रेंज में चले जाएंगे, दूसरे सेल में जाएंगे, तो दूसरे टावर का नाम आ जाएगा, इसी तरीके से तीसरे टावर का नाम आ जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल का जो सिग्नल है बिल्कुल कम होता है, जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट सिग्नल बता रहा है। तो जब मोबाइल का सिग्नल बिल्कुल कम होता है, तो उस वक्त हमारे मोबाइल से ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं, वो एंटीना को ढूंढने की कोशिश करती हैं, और दूसरी तरफ देख लीजिएगा सिग्नल पूरा है। तो इस तरीके से जब सिग्नल जो है रिसेप्शन पूर है, तो उस वक्त फ़ोन जो है ज़्यादा पावर यूज़ करता है, ज़्यादा रेडिएशन जनरेट करता है। उस वक्त भी हमें ख्याल रखना चाहिए, फ़ोन को उस तरीके से नहीं यूज़ करना चाहिए। जब सिग्नल पूर है तो उस वक्त यूज़ नहीं करना है। डोंट टॉक टू मच एंड यूज़ रेगुलर फ़ोन इफ़ पॉसिबल। तो हमें क्या करना है कि ज़्यादा देर फ़ोन पर बातें नहीं करनी है, वक्त ज़ाया नहीं करना है। फॉर लिंगर कॉल्स इट इज़ सेफर एंड चीपर टू कॉल फ्रॉम ए रेगुलर फ़ोन। और एक बात और, अगर आपको लंबी कॉल करनी है, इफ़ पॉसिबल अगर आपके घर में लैंडलाइन है, तो आप लैंडलाइन का सहारा ले सकते हैं। और कोशिश करिएगा अगर आप फ़ोन की जगह टेक्स्ट कर दें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से कौन कौन से हजार्डस एरिया है फ़ोन यूज़ करने के, जैसे कार ड्राइव करते समय हमें फ़ोन यूज़ नहीं करना है, और ऐसी जगहों पर जहां पर इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स, एयरक्राफ्ट के अंदर, लिफ्ट के अंदर, या वाइल यू आर ऑन एस्केलेटर, उसके अंदर हमें फ़ोन यूज़ नहीं करना है। अगर आप लिफ्ट के अंदर हैं तो फ़ोन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपका लिफ्ट जो है मेटालिक शीट के अंदर अब बंद है, और यहाँ पर आप जब फ़ोन यूज़ करेंगे, लंबी कॉल करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि रेज निकलेंगी, मेटालिक शीट को स्ट्राइक करके वापस आ जाएगी, वो या अंदर हीट ज़्यादा जनरेट होगी, आपको सफोकेशन हो सकती है। और बारिश में फ़ोन को यूज़ नहीं करना है, जब इलेक्ट्रिक थंडरिंग होती है, बिजली चमकती है, उस वक्त आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है, और छोटे बच्चों को फ़ोन ज़्यादा देर तक नहीं देना है। इसी तरीके से ये छोटी सी मेरी एक स्लाइड थी, मुझे लगता है शायद आप लोगों को पसंद आई होगी। इसके बाद भी हम बहुत सारी लंबा चर्चा कर सकते हैं, जैसे अगर आप लोगों के अंदर कोई आपके जहन में कोई भी व्यूज़ है, इसके कोई क्वेश्चन आपके, कोई क्वेरी आपके जहन में हो, तो आप मुझे बता सकते हैं।